Hi guys, welcome to Nutrition Life Circle. I am HS Chaudhary, Nutrition Therapist. मैं आज आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। आज पूरे विश्व में एक ऐसी बीमारी जो महामारी की तरह घर कर रही है वो है डायबिटीज। आज हर घर में डायबिटीज का कोई ना कोई मरीज अवश्य है और लोग नाश्ते की तरह दवाई खाते हैं सुबह सुबह उठ कर और दिन भर दवाई पर ही निर्भर रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने भोजन से अवर मील इरेडिकेट डायबिटीज, हम अपने भोजन से ही अपने डायबिटीज को कैसे ठीक करें। तो हम अपने भोजन को इस प्रकार से खाएं कि वो हमारी डायबिटीज को कंडीशन को रिमूव कर दे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डायबिटीज के प्रकार कितने हैं। तो मुख्यतः दो प्रकार के डायबिटीज हैं, डायबिटीज को दो उसमें बांटा गया है। पहला है डायबिटीज टाइप 1 और दूसरा डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 1 जो है वो बच्चों को होती है, छोटे पैदा होने के बाद से छोटे बच्चों को, और उसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो बच्चों के पैनक्रियास का डेवलपमेंट नहीं होना, जिससे कि बीटा सेल फॉर्मेशन नहीं होते पैनक्रियास में और उनका इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होता है पैनक्रियास में, जिसकी वजह से बच्चा डायबिटिक टाइप 1 हो जाता है। दूसरा कैसीन से होने वाली एलर्जी। कैसीन जो है वो दूध में होता है। फिनलैंड में 35% बच्चे टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं। मुख्य कारण गाय के दूध का कंज्यूमशन, वहाँ गाय बहुत ज़्यादा है और मिल्क कंज्यूमशन बहुत ज़्यादा हो। तो गाय के दूध में जो कैसीन होता है, चार प्रकार के कैसीन होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा कैसीन और कप्पा कैसीन। बीटा कैसीन जो है वही हार्मफुल होता है। बीटा कैसीन का स्ट्रक्चर ठीक हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल के जैसा होता है और जब बच्चों की आंतों में बीटा कैसीन जो है वो चिपक जाता है या जब बच्चा दूध कंज्यूम करता है तो जो उसके एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी के, वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उसका विरोध करते हैं कैसीन का और उसको मारना शुरू करते हैं। तो जब उसको मारने के साथ साथ बीटा कैसीन को मारने के साथ साथ तो बीटा सेल को भी डेड कर देते हैं और इस प्रकार से बाद में भी बच्चे जब वो दूध कंज्यूम करते हैं तब जो है वो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं और फिर उनको लॉन्ग लाइफ इंसुलिन पर रहना पड़ता है। तो ये तो था टाइप 1 डायबिटीज़, लेकिन आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 2 को मैं बीमारी नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद आपके सामने उदाहरण हूँ कि मैंने अपने आप को भोजन से ही ठीक किया है, अपनी लाइफस्टाइल ठीक करके ही ठीक किया है। इसलिए जो है मैं ये चाहूँगा है हर वो व्यक्ति जो डायबिटीज़ टाइप 2 से सफ़र कर रहा है, जैसे मैंने अपने आप को ठीक किया, वैसे ही हर व्यक्ति अपने आप को ठीक कर सकता है। और सिर्फ कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अपने खाने में बदलाव करना है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अवर मील इरेडिकेट डायबिटीज, हमारा भोजन ही डायबिटीज़ को समाप्त कर देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हमको करना है और डायबिटीज़ टाइप 2 क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। डायबिटीज़ टाइप 2 क्यों होता है? डायबिटीज़ टाइप 2 पहली कंडीशन है कि लेस कैपेबिलिटी ऑफ पैनक्रियास, जिससे कि बीटा सेल वहाँ एक्टिवेट नहीं होते और इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता, उसकी कैपेबिलिटी कम इंसुलिन सिक्रेशन हो रहा है और जो बॉडी को रिक्वायर्ड इंसुलिन है ग्लूकोज कंज्यूम करने के लिए उतना नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में बना रह जाता है और वो ग्लूकोज जो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तो उसको संबंधित व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज टाइप 2 का पेशेंट है। दूसरा, बॉडी बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हो जाती है? आदमी जब ओबेस हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो जो फैट्स है वो फैट्स जो है वो सेल के रिसेप्टर्स को कवर करता है और इंसुलिन को रिसीव नहीं करने देता है। सेल्स बार बार डिमांड करते हैं पैनक्रियास से कि आप इंसुलिन फॉर्मेशन करो और इंसुलिन भेजो, और जो सेल का रिसेप्टर है वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिससे कि सेल के अंदर ग्लूकोज का कंज्यूमशन नहीं हो पाता है। इंसुलिन इज द मेन हार्मोन ऑफ अवर बॉडी, वो सबसे मुख्य हार्मोन है कि इंसुलिन ही हमारे बॉडी में ग्लूकोज कंज्यूम करने के लिए महत्वपूर्ण हार्मोन है। अगर वो ठीक से एक्टिवेट नहीं है, वो सेल्स के रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ग्लूकोज इंटर नहीं कर पाएगा सेल के सेल में और हमको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक तो इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सेल का, तो इंसुलिन भी बॉडी में बना हुआ है, सेल बार बार डिमांड कर रहे हैं पैनक्रियास से कि इंसुलिन फॉर्मेशन करो, तो पैनक्रियास क्या कर रहा है, इंसुलिन फॉर्मेशन करते जा रहा है, तो पैनक्रियास हमारा ओवरबर्डन हो गया। ऐसी कंडीशन 8-10 साल तक जब चलती रहती है
तो फिर पैनक्रियास की कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जबकि हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ जाती है और हमारे बॉडी के सेल्स ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें एनर्जी नहीं मिलती और वो ग्लूकोज कहाँ हो जाता है, वो ग्लूकोज हमारे शरीर में हमारे ब्लड में ही बना रहता है। तो इस कंडीशन से भी हम डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट्स हो जाते हैं। तीसरी एक और जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो ये है कि आपके बॉडी में लीवर के ठीक नीचे गाल ब्लेडर होता है। लीवर जो भी डाइजेस्टिव जूस फॉर्म करता है वो सब गाल ब्लेडर में स्टोर होता है और गाल ब्लेडर के थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर वो हमारे भोजन के फैट जो होता है भोजन में उसको पाचन करने के लिए वो एसिड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और उसके फैट को डाइजेस्ट करता है। यदि गाल ब्लेडर में स्टोन फॉर्मेशन हो गया और कोई एक आधा स्टोन छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के उस रास्ते पर जाकर के ठहर गया कि जहाँ से गाल ब्लेडर से निकल करके हमारा जो डाइजेस्टिव जूस है जिसको हम बाइल कहते हैं, जो लीवर में फॉर्मेशन होता है और गॉल ब्लेडर से में वो स्टोर होता है और गॉल ब्लेडर जो है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। यदि वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोन का वो हिस्सा उसके उस रास्ते पर रुक गया जहाँ पर जहाँ से कि बाइल अंदर प्रवेश करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए, तो वो रुकने के बाद में उसका रास्ता बदल जाता है और वो जो बाइल है, वो जो एसिड है जो फैट डाइजेशन के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था, वो रास्ता बदल करके वो पैनक्रियाज में जाने लगता है और पैनक्रियाज में जाने पर पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है और पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन पैदा होने जाने से वहाँ पर बीटा सेल डेड हो जाते हैं और इंसुलिन का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। इस प्रकार से जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो बॉडी में जो ग्लूकोज हम खाना खा रहे हैं, जो ग्लूकोज ब्लड में जाता है, वो ग्लूकोज को सेल उसका जो है यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं एनर्जी पैदा करने के लिए, हमको जीवित रखने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज जा रहा है उसका कंजम्पशन जो है वो सेल के द्वारा, हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा नहीं होता है और ब्लड में जो है वो पूरा ग्लूकोज बना रहता है और व्यक्ति डायबिटीज टाइप 2 पेशेंट हो जाता है। और सबसे लास्ट और अंतिम चौथी कंडीशन है वो ये है कि यदि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए तो आपके सेल्स के रिसेप्टर्स इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं होने से सेल्स का जो दरवाज़ा है वो इंसुलिन खोल नहीं पा रहा है और ग्लूकोज इसमें एंटर नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में कंजम्पशन हो करके एनर्जी हमको नहीं मिल रही है। तो ये कंडीशन होती है कि जब रिसेप्टर इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो सेल उस इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी में इंसुलिन की का लेवल बढ़ते जाता है। हमारे बॉडी के सेल बार बार डिमांड करते हैं पैनक्रियास से कि इंसुलिन फॉर्मेशन करो, अभी एनर्जी कंजम्पशन नहीं हो रहा है, हमको ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी स्थिति में डे बाय डे जो है इंसुलिन की मात्रा बढ़ती जाती है और इस प्रकार से हमारे बॉडी में जब इंसुलिन का कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो इंसुलिन भी बॉडी में मौजूद है, ग्लूकोज का कंजम्पशन इंसुलिन के माध्यम से होता है तो ग्लूकोज भी कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में बना हुआ है। तो आप डायबिटिक ग्लूकोज की पोजीशन को देख करके भी डॉक्टर आपको बता देगा कि आप डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं, क्योंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है प्लस आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल भी हायर मेंटेन रहता है, हायर लेवल रहता है और हायर लेवल मेंटेन रहने से जो ग्लूकोज है वो दो प्रकार से यहाँ पर हमारे बॉडी में काम करता है। इंसुलिन के माध्यम से पहला काम होता है कि जो हमारे बॉडी के सेल हैं वो ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं और हमको एनर्जी देते हैं। दूसरा जो है इंसुलिन के माध्यम से, इंसुलिन एक और इंसुलिन हार्मोन एक बहुत हमारे बॉडी के लिए इस प्रकार का काम करता है कि पहला काम ये कि हमारे लीवर में उसका जो है स्टोरेज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को स्टोर कर देता है, वो भी इंसुलिन ही करता है। तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज के दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन हो गई कि वो बॉडी के सेल्स में जा करके और उस कंबेंशन हो वहाँ पर उसका और हमको एनर्जी मिले, और दूसरी कंडीशन ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में वो स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर हो जाता है, लेकिन लीवर की अपनी एक लिमिट है कि वो कुछ मात्रा में ही ग्लूकोज को स्टोर करके रख सकता है। अब यदि और ग्लूकोज आपके बॉडी में है और आप और खाना खा रहे हैं और ग्लूकोज की इंसुलिन
ग्लूकोज का कंज्यूमशन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी बॉडी क्या करेगी कि जो ग्लूकोज और आ रहा है वो इंसुलिन जो है उसको क्या करेगा, आपके बॉडी में फैट के रूप में कन्वर्ट कर देता है और एडिपोज टिश्यूज के रूप में वो हमारे बॉडी में कहीं पर भी किसी भी हिस्से में जा कर के और वो जम जाते हैं, जिसको हम फैट कहते हैं, और आदमी मोटा होना शुरू हो जाता है। अमेरिकन लोगों के हिप्स पर जो है वो ग्लूकोज फैट के रूप में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट होना शुरू होता है, और इंडियंस लोगों के बेली में फैट पेट पर पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, बेली बढ़नी शुरू हो जाती है, और इस प्रकार से वो ओबेस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो ये कंडीशन थी कि हम डायबिटीज़ कैसे होते हैं, और डायबिटीज़ की कंडीशन में यदि इंसुलिन का लेवल हमेशा हायर रहता है तो ऐसी स्थिति में आदमी मोटा भी होने लगता है। डायबिटीज़ ना भी हो और आपके बॉडी में इंसुलिन सीक्रेशन या इंसुलिन की लेवल हायर है तब भी आदमी मोटा होना शुरू हो। अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ की कंडीशन होने से व्यक्ति के बॉडी में या व्यक्ति पर क्या क्या प्रभाव होता है, क्योंकि उसी से तो हमको पता लगेगा क्यों डायबिटीज़। अगर ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे शरीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी स्थिति बॉडी में मतलब इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है कि सबसे पहला तो व्यक्ति को हेडेक होने की संभावना रहती है कि सरदर्द होता है, दूसरा उसका विज़न ब्लर्ड होते जाता है, मतलब धीमा दिखाई देने लगता है, उसकी आँखें प्रभावित होने लगती है, और कालांतर में जब हम डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी लेते हैं तो कई लोगों को अंधे होते देखा गया है, ब्लाइंड हो जाते हैं, और अधिकतर मतलब जो है लोग जो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं डायबिटीज़ की, तो वो उनका जो है उनको ब्लाइंडनेस निश्चित रूप से आती है। दूसरा स्किन ड्राई हो जाती है, मतलब दूसरा प्यास बहुत लगती है, थ्रस्ट हो जाता है आदमी, लगती है बार बार पानी पीने का मन करता है, मूड स्विंग हो जाता है, हमको बार बार बिल्कुल एकदम हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और बात बात में हमारा परिवर्तन होने लगता है। दूसरा एंजाइटी भी आ जाती है, चिंता भी बढ़ने लगती है शरीर में, और बॉडी में वेट गेन होने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका इंसुलिन हार्मोन का यूज़ आपकी बॉडी नहीं कर पा रही है, तो ग्लूकोज भी आपकी बॉडी में है और इंसुलिन भी है, और फिर इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और फैट में कन्वर्ट कर देता है, तो जो फैट लगातार फैट बढ़ते जाता है तो आदमी जो है फैटी होते जाता है। दूसरा शुगर क्रेविंग होता है, हमको मीठा खाने की बहुत इच्छा होने लगती है कि यदि हमारी कंडीशन डायबिटिक है तो आजकल तो डायबिटीज़ के साथ में एक और कंडीशन डॉक्टर्स लोग जोड़ते हैं, प्री डायबिटिक। तो प्री डायबिटिक जैसी कोई स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्री डायबिटिक का मतलब ये नहीं है कि आप डायबिटिक हो गए, वो तो डॉक्टर्स के पास आप चेक कराने जाएंगे तो वो आपके ग्लूकोज का लेवल देख करके या आपके इंसुलिन का लेवल देख करके आपको बोलेगा यू बिकम ए प्री डायबिटिक। तो प्री डायबिटिक में मतलब डायबिटिक शब्द जुड़ गया, इसलिए आपको ना घबराने की जरूरत नहीं है, डायबिटीज आने वाली है। प्री डायबिटिक का मतलब कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स द डायबिटिक कंडीशन, तो ऐसी स्थिति में इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो मैं अभी आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने शरीर को, अपने आदतों को, अपने लाइफ स्टाइल को बदलें कि हम इस स्थिति में पहुँचे ही नहीं। साथ में हमको थकान लगने लगती है, फटीक होता है अगर हम डायबिटिक है हो जाते हैं तो, और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारा दिमाग एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, हम किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करने जाते हैं तो हमको बहुत ही तकलीफ़ होती है, और साथ ही साथ फ्रिक्वेंटली यूरिनेटिंग होता है। फ्रिक्वेंट यूरिनेटिंग होता है मतलब बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, बार बार पेशाब आती है ऐसे व्यक्ति को जो डायबिटीज़ का पेशेंट है। तो ये कंडीशंस हैं। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो कई बार तो कोमा की स्थिति हो जाती है, कई बार चक्कर आने लगते हैं कई लोगों को, तो ये इस प्रकार की कंडीशंस जो है पैदा होती है जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, यानी कि आप डायबिटिक हैं। अब ये तो हमने अभी तक जान लिया कि कितने प्रकार के डायबिटीज़ हैं और डायबिटीज़ होने से क्या होता है, मुख्य बात है कि उसको दूर कैसे किया जाए, और वो भी प्राकृतिक तरीके से, नेचुरली। दवाई तो डॉक्टर लोग दे ही रहे हैं, ढेरों मुट्ठी भर दवाई रोज़ हम नाश्ते के रूप में लेते हैं, दिन भर दवाई खाते रहते हैं, तो बगैर दवाई के हम इससे कैसे छुटकारा पाएँ। तो आप समझ सकते हैं कि हमें हमारे शरीर में जो डायबिटिक की कंडीशन आई है वो क्या दवाई खाने से आई है, कोई दवाई खा करके हम डायबिटिक हुए हैं, नहीं हुए हैं, हमारी लाइफ स्टाइल बदली है, हमने अपने खाने का तरीका बदला है, हमने खाने की वस्तुओं को बदला है, इसलिए हमारे शरीर में ये स्थिति बनी है कि हमारे जो बॉडी के रिसेप्टर हैं या हमारा पैनक्रियाज है वो लेस कैपेबल हो गया है, हमारे बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स हैं वो अनकैपेबल हो गए हैं, लेस कैपेबल हो गए हैं, ताकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हार्मोन को जो आपका
इंसुलिन है, और इंसुलिन जब एक्टिवेट नहीं है तो ग्लूकोज का कंज्यूमशन नहीं हो रहा है, ग्लूकोज का यूज़ नहीं हो रहा, और ग्लूकोज का यूज़ नहीं हो रहा तो बॉडी में ग्लूकोज बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने से आप डायबिटिक हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो खान पान है वो बदल गया है, इसलिए जो है हम डायबिटिक कंडीशन में आ गए हैं, क्योंकि और डायबिटीज़ का और कोई कारण नहीं है। और डायबिटीज़ इज़ नॉट ए डिसीज़, डायबिटीज़ इज ए कंडीशन ऑफ योर बॉडी विच वॉज बिकम इन ए लास्ट 5 to 10 years, लास्ट 1 to 2 decades, 1 to 2 दशक में आपके शरीर में इस प्रकार की स्थिति आती है। यदि हम समय से संभल लेते तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। तो सबसे मुख्य जो बात होती है वो होती है हमारे खाने पीने की स्थिति में, खान पान में जो हमारा परिवर्तन है, जो हमने आजकल आप देख रहे हैं कि जितना भी कंज्यूमशन हमारे लोग कर रहे हैं उसमें प्रोसेस फूड सबसे ज़्यादा होता है। तो पहली कंडीशन है कि हमको नेचुरली अगर इरेडिकेट करना है हमारे डायबिटीज़ को, तो पहली कंडीशन हमको ये करनी पड़ेगी, पहला जो नियम है वो ये है कि अवॉइड प्रोसेस फूड एंड एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट और प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड में क्या है, प्रोसेस फूड में ये नहीं है कि पिज्ज़ा बर्गर और इस प्रकार की चीज़ें हम छोड़ दें, प्रोसेस फूड में यह है कि जो भी सामग्री मशीन से बन के निकली है उसका हमको कंज्यूमशन नहीं करना है। रिफाइंड ऑयल, मैदा, शक्कर, है ना, और जो घी वगैरह होता है जो जिसको बोलते हैं कि वनस्पति घी, इस प्रकार की चीज़ें जो प्रोसेस होकर के आई है वो हमको कंज्यूम नहीं करना है। पैक्ड फूड का भी कंज्यूमशन नहीं करना है, साथ ही साथ हमको एनिमल प्रोडक्ट का भी कंज्यूमशन नहीं करना है। एनिमल प्रोडक्ट में ये नहीं है कि केवल हम मांस मटन नहीं खाएंगे, हमको डेयरी प्रोडक्ट को से भी दूर रहना है। जो दूध है, मिल्क इज आल्सो हार्मफुल फॉर डायबिटीज, फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो यदि आपने ये पहला काम कर लिया कि प्रोसेस फूड अवॉइड कर दिए, आपने एनिमल प्रोडक्ट्स अवॉइड कर दिया, तो आपका आधा डायबिटीज़ तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। आप जो मिल्क कंज्यूमशन है और मिल्क से बनी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वो अगर आपने बंद कर दी तो आधा डायबिटीज़ तो आपका वैसे ही ठीक हो जाएगा। दूसरा, अब बात करते हैं कि हम क्या खाएं जिससे कि हमारे बॉडी में वो कंडीशन नहीं बने जिससे कि हम डायबिटिक पेशेंट हो। ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ अवर डाइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दोनों मिला करके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, अगर हम 70% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रॉ फॉर्म में कंज्यूम करें और वही हमारा 70% हमारे भोजन का भाग हो, तो हमें कोई नहीं रोक सकता है कि हमारे बॉडी में से हम डायबिटीज़ को इरेडिकेट नहीं कर सकें। तो फ्रूट्स हमको कंज्यूम करना है, तो फ्रूट्स कितना कंज्यूम करना है, कम से कम 500 ग्राम फ्रूट्स, 3 से 4 प्रकार का, और इसमें साइट्रस फूड एक ज़रूर होना चाहिए, चाहे संतरा हो, चाहे मौसम्बी हो, चाहे पाइनएप्पल हो, ये ज़रूर हमको लेना है। एक ध्यान में ये बात रखनी है कि किसी भी प्रकार के फ्रूट्स के जूस का कंज्यूमशन हमको नहीं करना है, फ्रूट्स के रूप में ही उसको खाना है और पके हुए फ्रूट्स के रूप में खाना है। तो एक तो फ्रूट्स, दूसरा वेजिटेबल। वेजिटेबल को भी हम इस प्रकार से कंज्यूम कर सकते हैं कि हम दो हिस्से बनाएं, दो हिस्सों में जब हम लंच करेंगे तो लंच में हमारा जो वेजिटेबल होगा वो सलाद के रूप में होगा, और सलाद के रूप में खाते समय में हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें आगे बताएंगे जो अगला बिंदु आएगा उसमें, कि उसमें हमको क्या क्या किस प्रकार के नट्स और सीड्स मिलाना है जिससे कि उसका स्वाद भी बढ़ जाए और हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन और फाइबर भी मिले। तो एक हिस्सा हमारा कम से कम 250 से 300 ग्राम हमको सलाद का कंज्यूमशन करना चाहिए एक टाइम में। तो लंच में हमको वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स, और जो वेजिटेबल्स हैं कच्चा खाने योग्य हैं, मूली, गाजर, टमाटर, ककड़ी, ऑनियन, प्याज, प्याज बहुत महत्वपूर्ण है, प्याज, एक प्याज तो हमेशा आपको अनिवार्य रूप से कंज्यूम करना ही है। तो इस प्रकार से इनको सबको बारीक काट करके चम्मच से भी खाया जा सकता है, उसमें नींबू डाल करके और उसको रॉ फॉर्म में कंज्यूम किया जा सकता है, बीट रूट का भी उपयोग किया जा सकता है, चुकंदर का। तो ये चीज़ें मतलब हमको कंज्यूम करनी वेजिटेबल के रूप में, लेकिन रॉ फॉर्म में, कुक्ड फॉर्म में नहीं। और दोपहर के लंच का हमारा एक हिस्सा जो है वो क्या होना चाहिए, एक हिस्सा हमारा मुख्य भोजन के रूप में सलाद का ही होना चाहिए। उसमें सलाद में हम ड्रेसिंग मतलब टमाटर का सॉस बना करके उसमें डाल सकते हैं,
लेकिन प्रिपेयर्ड सॉस जो बाज़ार से मिलता है टमाटो सॉस वो कंज्यूम नहीं करना है, घर में ही बनाना है। चाहें तो आप टमाटर को मिक्सर में क्रश करके और उसमें मतलब जो है थोड़ा बहुत नमक और मसाला मिला करके और सलाद की ड्रेसिंग बना करके सलाद पर डाल के कंज्यूम कर सकते हैं। उसको कुक करके, उसको पका करके, टमाटर का जो है वो मिक्सर में पेस्ट बना लिया और उसको थोड़ा पकाया और पकाने के बाद में अपने सलाद में ड्रेसिंग के रूप में मिला लिया, तो वो बहुत फ़ायदा करता है। जो टमाटर में जो कच्चा फॉर्म में हम खाते हैं इसमें जो लाइकोपिन होता है जो कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, तो लाइकोपिन जो है पकाने से, टमाटर को पकाने से 10 times जो है बढ़ जाता है। मशरूम और टमाटर दोनों ही पके हुए फॉर्म में हमारे बॉडी में ज़्यादा फायदा करते हैं बजाय कच्चा खाने के। तो इस प्रकार से हमारे भोजन का हिस्सा, और शाम को भी हम जो वेजिटेबल हैं वो चाहें तो हम भाप में पका करके ग्रीन वेजिटेबल्स को 250 से 300 ग्राम्स उसमें उसका थोड़ा सा छोंक लगा करके और उसको थोड़ा सा नमक मिर्ची और थोड़ा 1-2 चम्मच ऑयल से छोंक लगा के और उसको स्वादिष्ट बना करके भी हम खा सकते हैं। इस प्रकार से दोनों टाइम में मिल करके कम से कम 500 टू 600 ग्राम वेजिटेबल्स हमको कंज्यूम करना है। इरेडिकेट करने का, डायबिटीज़ इरेडिकेट करने का यही एक सबसे मेन सोर्स है कि ग्रीन वेजिटेबल्स का कंज्यूमशन हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ्रूट्स हम कम से कम 500 ग्राम का कंज्यूमशन करें, उसको दोपहर में खाएं, सुबह से दोपहर तक, या शाम को भी खाएं, लेकिन जब भी खाएं खाने के पहले खाएं उसको, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला बिंदु है वो है फाइबर एंड प्रोटीन। फाइबर और प्रोटीन पर हमको ज़रूर ध्यान देना है, फाइबर होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी हम वेजिटेबल खाएंगे, जो सब्ज़ियाँ खाएंगे और फ्रूट्स खाएंगे उसमें फ़ाइबर होता ही होता है, निश्चित रूप से इनमें वेजिटेबल्स में प्रोटीन्स भी होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन वेजिटेबल में नहीं होता है, ब्रोकली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ऐसी चीज़ें हम कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी हो, तो प्रोटीन। लेकिन फाइबर के लिए मेन सोर्स हमारा होता है वो होता है नट्स एंड सीड्स, जिसमें कि जो चिया सीड होता है, चिया सीड का 1 चम्मच जब हम फ्रूट्स खा रहे हों तो उसको सलाद के रूप में फ्रूट्स को काट लिया और उसके ऊपर 1 चम्मच चिया सीड का स्प्रिंकल कर दिया और हमने उसको खा लिया, तो हमारा चिया सीड भी कंज्यूम हो जाता है और टेस्ट भी आ जाता है और हमको रिच ऑफ फाइबर है चिया सीड हमारा। दूसरा, जब हम सलाद खा रहे होते हैं तो सलाद को भी बारीक बारीक काट लें, उसमें भी हम सीसम सीड मतलब तिल्ली 1-2 चम्मच तिल्ली डाल दें थोड़ी सी हल्की सी रोस्ट की हुई, और उसमें हम फ्लैक्सीड 1 चम्मच डाल दें, फ्लैक्सीड यानी कि अलसी। लेकिन अलसी को हम क्या करेंगे कि हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद उसको पाउडर करेंगे, और पाउडर करने के बाद में पाउडर ही 1 या 1.5 चम्मच या 2 चम्मच हम उसको अपने सलाद में डाल लें, ताकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, रिच ऑफ फाइबर्स होता है और इस प्रकार से हमको वो प्रोटीन भी देता है। प्रोटीन के लिए हमको क्या करना है, प्रोटीन्स के लिए हमको ये करना है कि जो बीन्स होता है, बीन्स किसको बोलें तो हम जैसे राजमा है या चौला फली के दाने हैं या चिक पीस यानी कि चना है, ये चीज़ें जो है वो प्रोटीनियस होती हैं और वो हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया भी पैदा करती हैं। तो इसको दोपहर में हमारे लार्ज सलाद के साथ में लंच के रूप में 1 कप 50 से 100 ग्राम पका हुआ राजमा या चना या चौला फली का दाना या और ब्लैक बीन्स भी आते हैं उसको भी हम पका के खा सकते हैं। तो इस प्रकार से बीन्स इज़ ए वेरी एसेंशियल पोर्शन ऑफ योर डाइट। बीन्स आप कंज्यूम करेंगे तो आपके गट के माइक्रोबायोम्स हैं, गुड बैक्टीरिया पैदा होंगे और वो गुड बैक्टीरिया जो है आपके डाइजेशन को बहुत ही अच्छा रखेंगे, आपके गट की हेल्थ को अच्छा रखेंगे, और जब आपकी गट की हेल्थ अच्छी होगी तो आपका जो डायबिटीज़ की कंडीशन है वो इरेडिकेट हो जाएगी। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो बीन्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है स्टमक में और जो फिर बाकी जो बचता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इट विल कन्वर्ट इनटू फैट और वो फैटी एसिड के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है बीन्स का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, और बीन्स का कार्बोहाइड्रेट का 10-20% जो है कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने की वजह से जब हम उसका कंज्यूमशन करते हैं तो उससे जो ग्लूकोज रिलीज होता है हमारे बॉडी में वो मॉडरेट रेट से होता है। यदि हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं तो एकदम से स्पाइक मतलब जो है हमारे 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज बन जाता है कार्बोहाइड्रेट से,
और हम डायबिटिक कंडीशन में आ जाते हैं। इस प्रकार से यदि हम बीन्स का कंज्यूमशन करेंगे तो हमको मतलब जो है वो बॉडी में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करेगा मॉडरेट रेट से और हमारी कंडीशन डायबिटिक कंडीशन नहीं हो पाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि फाइबर और प्रोटीन, प्रोटीन का कंज्यूमशन जो है ये ध्यान रखें कि 20% से ज़्यादा अपनी डाइट में प्रोटीन्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत एक बड़ा रिसर्च है और बड़ी स्टडी है, ये चाइना स्टडी के नाम से डॉक्टर टी कोलिन कैम्बेल ने एक बुक लिखी है, उनके बेटे ने बुक लिखी थॉमस टी कोलिन कैम्बेल ने, उनका ये बताया हुआ वो है और उन्होंने प्रयोग भी किया है कि यदि 20% से ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो बाज़ार में प्रोटीन पाउडर और ये मिलते हैं इसका कंज्यूमशन भूल के भी ना करें, आप जो है नेचुरल तरीके से प्लांट बेस्ड जो ग्रेन्स हैं, प्लांट बेस्ड जो फूड है उसको कंज्यूम करके ही उसके माध्यम से अपन प्रोटीन का कंज्यूमशन करें। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण अंग आपका डाइट का होना चाहिए वो होना चाहिए कंज्यूम गुड फैट। तो हम ऑयल खाते हैं तो जैसे लोग बोलते हैं, बताते हैं अधिकतर वैज्ञानिक और लोग बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट भी बोलते हैं कि ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज़ करिए। किसी भी प्रकार का तेल आप ये ना समझें कि ये गुड फैट है और ये बैड फैट है, किसी भी प्रकार का तेल जब उसको एक नया एक रिसर्च है जिसको मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था तो जानकारी में आया कि किसी भी प्रकार का तेल अगर आप गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में वो बैड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, गुड फैट नहीं रहता है उसका। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वो कभी भी HDL नहीं होता है, वो LDL में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम गुड फैट कहाँ से कंज्यूम करें, हमको एनिमल प्रोडक्ट खाना नहीं है तो हमको नट्स एंड सीड्स का यूज़ करना है। नट्स एंड सीड्स जो हैं वो हमको गुड फैट प्रोवाइड करेंगे जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो ये आपकी खाने में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आप जो नट्स एंड सीड्स क्या हैं, आपने चिया सीड्स आपने यूज़ किया, फ्लैक्स सीड आपने यूज़ किया, सीसम सीड आपने यूज़ किया, फिर आप ले सकते हैं थोड़ा बादाम, मूंगफली और वॉलनट्स मतलब अखरोट, और साथ ही साथ आप ले सकते हैं इसमें सनफ्लावर के बीजे और आप पम्पकिन सीड्स मतलब कद्दू के बीजे, ये बाज़ार में मिलते हैं, खाने योग्य पैकिंग में आते हैं, वो उनका आप कंज्यूम कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको गुड फैट का कंज्यूमशन अनिवार्य रूप से करना है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि कितना करना है। इसका लिमिट है 30 ग्राम से 50 ग्राम के बीच में, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि इसको आपको स्नैक्स के रूप में नहीं खाना है, ऐसा नहीं कि हमने थोड़ा सा मुट्ठी में ले लिया और खाना खाया नहीं दो घंटे बाद खाने के हमने और उसको कंज्यूम करना शुरू कर लिया, खा लिया बादाम चबा के खा लिया, वॉलनट्स खा लिया, इन सबको पीस करके पेस्ट बना के या पाउडर बना के या किसी भी प्रकार से या वैसे भी डायरेक्टली अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप मेन मील के साथ ही उसको कंज्यूम करना है, उसको एज ए स्नैक्स नहीं खाना है। वो तभी आपको फ़ायदा करेगा जब आप उसको मेन मील के साथ कंज्यूम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक रिसर्च है जो अमेरिका के डॉक्टर हैं डॉक्टर जॉयल फुरमैन, उन्होंने अपने एक किताब लिखी हुई है ईट टू लिव, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है। इसलिए कृपया करके कभी भी आप जो है स्नैक्स के रूप में आप नट सीड्स का यूज़ नहीं करें, आपको मेन मील के साथ उसको खाना है। और तरह तरीके से खा सकते हैं, किसी भी तरीके से पीस करके आप पाउडर में बना करके उसको मिला लीजिए और पूरा पैस बना करके उसको आप अपना सैलड का जो सलाद है उसका ड्रेसिंग बना करके उसके ऊपर फैला करके उसको मिला करके उसमें खा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो इस प्रकार से हमको गुड फैट का कंज्यूमशन इस प्रकार से करना है, और किसी भी प्रकार का फैट, मैं ऑयल के रूप में फैट कंज्यूमशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही एनिमल प्रोडक्ट के फैट कंज्यूमशन की बात कर रहा हूँ। अगली स्थिति अब हम देखते हैं कि और हमारे बॉडी को ठीक रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो हमको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, हमारे पानी की कमी शरीर में ना हो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए और बाकायदा समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। उसका एक निर्धारित मापदंड कई वैज्ञानिकों ने बताया है कि 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना पानी पीना चाहिए, जितना आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि हम फ्रूट की मात्रा बॉडी में बनी रहनी चाहिए और फ्रूट हम अलग अलग प्रकार से भी कंज्यूम करते हैं। तो इस प्रकार से ज़रूरी नहीं कि केवल पानी ही हम पिए, किसी भी प्रकार से हमारी बॉडी में लिक्विड जाना चाहिए और हमारी बॉडी हाइड्रेटेड बनी रहनी चाहिए, हमारे बॉडी में पानी की या लिक्विड की कमी नहीं होनी चाहिए तरल पदार्थ की, क्योंकि 70% ऑफ आवर बॉडी पोर्शन इज लिक्विड फ्लूड। तो इस प्रकार से फ्लूड मेंटेन रहना चाहिए। अगला जो बिंदु है वो है
कि आप अपनी नींद जो है वो पूरी करें, स्लीप वेल। अच्छी नींद लेना क्यों ज़रूरी है? अच्छी नींद लेना इसलिए ज़रूरी है, कम से कम 8 घंटे आपको सोना है, और वो इसलिए ज़रूरी है कि यदि हम नींद पूरी नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन्स की वृद्धि हो जाएगी, और कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो है क्या करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है पैनक्रियास के, और बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो हमारे डायबिटिक कंडीशन आ जाती है। इसलिए जो है हमको नींद लेना बहुत ज़रूरी है, डायबिटिक पेशेंट्स को सोना बहुत ज़रूरी है 8 घंटे रोजाना। और सबसे अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बॉडी में ब्लड का सर्कुलर बना रहे, सर्कुलेशन बना रहे, इसलिए आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा तकलीफ देनी होगी, और आपको 30 मिनट प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी। बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज करने की बात नहीं कर रहे हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो, जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट तक बॉडी को अपना मूवमेंट करा करके, हाथ पैर हिला करके, कैसे भी करके एक्सरसाइज करनी है, और 30 मिनट अपने बॉडी को आपको एक्सरसाइज के मोड में रखना है। इसलिए रखना है क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मिरेकल कंपोनेंट हमारे बॉडी में पैदा होता है, वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती है, और जो मैंने आपको डाइट बताया है उससे भी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बॉडी में होता है, लेकिन एक्सरसाइज करने से भी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, और वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है। तो साथियों, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमने आपको जो तरीके बताए हैं, यदि आप उसको अडॉप्ट करेंगे, आप उसका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने डायबिटिक कंडीशन से मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप 2 दिन इस प्रकार के डाइट को कंज्यूम करने के बाद आपको मॉनिटर करना है हमेशा, कीप योर आई ऑन हाउ यू आर फीलिंग। आपने जब अपनी इस लाइफस्टाइल को अल्टर किया तो आप कैसा फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको भी आपको मेज़र करते रहना है, उसको मॉनिटर करते रहना है, ताकि धीरे धीरे आप अपनी दवाइयों को कम कर सकें। और इस प्रकार का जो मैंने आपको बताया है, यदि आप इस प्रकार की लाइफस्टाइल रखेंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपकी डायबिटीज़ बहुत जल्दी ही रिमूव हो जाएगी। 3 दिन के बाद से ही उसका रिमूवल शुरू हो जाता है, और 7 डेज में जो पेशेंट्स इंसुलिन पर नहीं है उनकी स्थिति बेहतर होने लगती है, और वो धीरे धीरे दवाई बंद कर सकते हैं। और इसी प्रकार से इंसुलिन भी 1 माह के अंदर अंदर इंसुलिन भी बंद हो जाता है। तो ये आज का विषय था, परिणाम देखिए किस प्रकार से आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। आप थोड़ी सी आपको खाने पीने की लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आप पूरी तरह से दवाई से मुक्त हो जाएंगे, और दवाइयों के जो दुष्परिणाम हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे, और पूरी तरह से स्वस्थ होकर के और अपनी लाइफ को पूरा जीवन जिएंगे, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी फिर आपके शरीर में नहीं होगी। तो ये जो विधि मैंने आपको बताई है, ये आप अडॉप्ट करें, लोगों को भी बताएं और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसको फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।